नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। धर्म, जाति, भाषा और नस्ल के आधार पर ना मांगे जाएं वोट। चुनाव आयोग का राजनीतिक दलों को निर्देश। चुनावी पोस्टर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तस्वीर लगाने की मनाही। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किया 67 और उम्मीदवारों का ऐलान। यूपी और उत्तराखंड के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी। कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका समेत 40 नेता करेंगे प्रचार। नोटबंदी पर मुख्यमंत्रियों की समिति ने प्रधानमंत्री को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट। बैंकों से 50,000 से ज्यादा के लेन देन पर टैक्स की सिफारिश। मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज MDR खत्म करने का भी सुझाव। भारत और यूएई के बीच होंगे 16 से ज्यादा समझौते। यूएई के क्राउन प्रिंस का राष्ट्रपति भवन में राजकीय सम्मान आज। गणतंत्र दिवस पर होंगे मुख्य अतिथि। और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे भारत और अमेरिका। ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत। भारत को बताया सच्चा दोस्त, अमेरिका आने का न्योता। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का फोटो चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हो सकते। राष्ट्रपति सचिवालय ने आयोग से कहा था कि राजनीतिक दल और प्रत्याशी चुनाव प्रचार में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। सचिवालय ने आयोग से इस मामले में उपयुक्त निर्देश जारी करने को कहा था। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव प्रचार में राज्यों के राज्यपाल के फोटो भी शामिल न किए जाएं। पिछले हफ्ते कांग्रेस की लुधियाना इकाई ने अपने चुनावी होर्डिंग में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नाम और फोटो का इस्तेमाल किया था। साथ ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वो धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने से परहेज करें। आयोग ने कहा कि यह आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है। आयोग ने राजनीतिक दलों को उच्चतम न्यायालय के हाल के एक आदेश की भी याद दिलाई, जिसमें कहा गया था कि ऐसी अपील भ्रष्ट आचरण के बराबर है। राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से कहा गया है कि निचले स्तर के निर्वाचन अधिकारियों को सूचित करें और चुनाव के दौरान उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करें। वही आम बजट पर चुनाव आयोग के निर्देशों का विपक्षी दलों ने स्वागत किया है। उन्होंने इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की भी मांग की है। सोमवार को चुनाव आयोग ने 1 फरवरी को बजट पेश करने को हरी झंडी दी थी। आयोग चुनावी राज्यों में नई घोषणाओं और नई योजनाओं की घोषणा और उपलब्धियों का बखान न करने की हिदायत भी दे चुका है। चुनाव आयोग ने सरकार को निर्देश दिया है कि 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट में 5 चुनावी राज्यों के बारे में कोई विशेष घोषणा नहीं की जाए। साथ ही वित्त मंत्री के भाषण में इन राज्यों में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र नहीं करने को कहा है। साल में जो है वो 12 महीने कहीं कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं। बजट जो है किसी एक राज्य का या किसी एक राज्य से रिलेटेड नहीं होता। बजट जो है वो पूरे देश का होता है। इसलिए जो लोग उसको रोकने की बात या जो लोग उसको बढ़ाने की बात कर रहे थे उसमें तर्क नहीं था, तथ्य नहीं था, बल्कि राजनीतिक उसके कारण थे। आयोग ने सरकार को 2009 की एडवाइजरी की भी याद दिलाई, जिसमें परंपरा के मुताबिक चुनावों से पहले पूर्ण बजट के बजाय लेखानुदान पेश किए जाने की बात शामिल है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सरकार से चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की मांग की है। ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में अत्यंत मत रखती है हर मुद्दे का, इसलिए ये और भी ज्यादा अति आवश्यक होता है कि चुनाव आयोग के आदेश को सिर्फ लिखित आदेश को ही नहीं लेकिन उसके स्पिरिट को भी आदर सहित आदर पूर्वक उसका पालन किया जाए। वी स्टिल बिलीव दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट शुड बी पोस्टपोन्ड एंड बीजेपी और एनी पार्टी इन पावर शुड नॉट ट्राई टू टेक अनफेयर पॉलिटिकल एडवांटेज ऑफ द बजट अनाउंसमेंट्स।
पूर्व चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी और संविधान से जुड़े मामलों के जानकार भी मानते हैं कि सरकार को इन निर्देशों को मानना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के जो इंस्ट्रक्शन है बड़ी क्लियर है, साफ साफ उन्होंने कह दिया कि भाई 5 स्टेट में आप अपनी अचीवमेंट के गुणगान नहीं करें। गवर्नमेंट हमेशा मानती है, गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन की इम्पोर्टेंस, मॉडल कोड के इम्पोर्टेंस को खूब जानती है और गवर्नमेंट कभी जानबूझ के उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करती। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान से पहले ही 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र बुलाने का फैसला किया था। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दल चुनाव के मद्देनजर 1 फरवरी को आम बजट पेश किए जाने का विरोध कर रहे थे और इन मामलों में चुनाव आयोग से शिकायत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अरविंद केजरीवाल के चुनाव आयोग को लेकर दिए गए बयान की दूसरी पार्टियों ने आलोचना की है। जानकारों का कहना है कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पर आयोग की चेतावनी को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चुनाव आयोग पर दिए विवादित बयान की विपक्षी दलों ने निंदा की है और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने पर केजरीवाल की आलोचना की है। अगर आपत्ति की है इलेक्शन कमीशन में तो सही आपत्ति की है। अरविंद केजरीवाल को संवैधानिक संस्थानों से, संगठनों से इस तरह का वर्ताव करने से बचना चाहिए। जो लोग खुद करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उनको हर जगह इस प्रकार की बात नजर आती है और ये एक धिक्कार का विषय है कि इलेक्शन कमीशन जैसे स्वायत्त बॉडी को, इलेक्शन कमीशन जिसकी इंटीग्रिटी पूरे विश्व में जानी जाती है, उसको आप इस प्रकार एक राजनीतिक अखाड़े पे उतार रहे हो। जानकारों का मानना है कि इस मामले में आयोग की चेतावनी को नजरअंदाज करने पर केजरीवाल और उनकी पार्टी पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अगर आप ये बराबर इसका उल्लंघन करते रहेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो आपका पार्टी सिंबल वो फ्रीज कर सकता है, यानी कि वापस ले लेगा जो सिंबल दिया पार्टी। कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि प्रतिबंध भी लगाया है। इलेक्शन कमीशन भी चुप रहने वाला तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन के दौरान तो बहुत पावर्स है। अगर इलेक्शन कमीशन उसके जवाबी कार्रवाई में आ जाए तो दुखी कर देगा, इसलिए इस किस्म की कन्फ्रंटेशन की स्टेज आने नहीं देनी चाहिए। गोवा और पंजाब की रैलियों में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दूसरी पार्टियों से पैसे ले लो लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही देना। इस पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। जवाब में अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगने की जगह चुनाव आयोग पर लोगों को रिश्वत लेने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। ज्यादातर छठे और सातवें दौर के उम्मीदवारों की सूची में बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 67 उम्मीदवारों के नाम हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को पडरौना से, आर के चौधरी को मोहनलालगंज से, सूर्य प्रताप शाही को पत्थरदेवा से, रमाकांत यादव के बेटे अरुण यादव को आजमगढ़ की फूलपुर सीट और पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे फतेह बहादुर को गोरखपुर की कैपियरगंज सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 149 लोगों के नाम थे जबकि दूसरी लिस्ट में 155 नाम थे। इस तरह पार्टी अब तक कुल 371 नामों की घोषणा कर चुकी है, उसे अभी 32 उम्मीदवारों की घोषणा और करनी है। पार्टी ने उत्तराखंड में 40 से ज्यादा स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर समेत कई मंत्रियों और नेताओं के नाम शामिल हैं। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने 5 और उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कल रात जारी की गई सूची में प्रभुलाल बहुगुणा, बालकिशन और राजेंद्र बाराकोटे का नाम शामिल है। इस तरह कांग्रेस अब कुल 70 उम्मीदवारों में से 68 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। पहली लिस्ट में 63 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। उधर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट कल जारी कर दी। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राज बब्बर का नाम भी शामिल है। पंजाब चुनाव के लिए अकाली दल ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी, 20 लाख युवाओं को रोजगार और सस्ता अनाज जैसे कई बड़े वादे शामिल हैं। सूबे के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कल इसे जारी किया। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर राज्य की बदहाली के लिए अकाली दल और बादल परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। पंजाब में सत्तारूढ़ अकाली दल के घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे हैं। किसानों को 10 घंटे मुफ्त बिजली और कर्ज माफी जैसे वादे इसमें शामिल हैं। डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने लुधियाना में इसे जारी करते हुए अमृतसर और मोहाली को आईटी हब बनाने और हर शहर में वाईफाई का वादा किया।
सीवरेज, वाटर सप्लाई, कंप्लीट कॉन्क्रीट गलीज एंड सोलर लाइट कंप्लीट. वी विल मेक पंजाब विलेजेस ऑन पावर विद अर्बन सेक्टर. दैट इज माई नाउ प्रायोरिटी. अकाली दल के घोषणा पत्र में जिन मुद्दों को जगह मिली है उनमें 20 लाख नौजवानों को रोजगार, मुफ्त प्रेशर कुकर, गैस स्टोव और गैस कनेक्शन, छोटे किसानों को हर साल 2 साल का ब्याज मुक्त कर्ज, 10 रुपए की दर से 5 किलो चीनी, 25 रुपए की दर से 2 किलो घी जैसे वादे शामिल हैं. घोषणा पत्र जारी करते हुए सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की खूब आलोचना की. इधर कांग्रेस ने अकाली दल के घोषणा पत्र को अपने घोषणा पत्र की नकल बताया. वो तो हमारी बातें की है, जो हमने कहा है वही उठा के हमारी उठा के उन्हें कर ली. अगर ये बात करना चाहते हैं किसानों के लिए तो 10 साल से सो रहे थे क्या? वहीं राज्य के अबोहर में रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया. केंद्र में आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, कांग्रेस की सरकारें देखी होंगी, लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार होते थे. 2.5 वर्षों का समय हो गया, कोई भी व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारी दिल्ली की सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ. इस बीच चुनाव आयोग ने राज्य में पहली बार 5 विधानसभा क्षेत्रों में सर्विस वोटरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाने का फैसला किया है. पहली बार हिस्ट्री में 423 इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट जो है जो सर्विस वोटर है उनके लिए अपलोड हो गया. अब वो अपने उनके पास ओटीपी जाता है उनके मोबाइल पर, वो डाउनलोड करेंगे और प्रिंट करके अपना वोट कास्ट करके भेज देंगे. बीजेपी और कांग्रेस पहले ही घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं. बीजेपी ने छोटे किसानों को कर्ज माफी, गरीब परिवारों को घर देने समेत कई वादे किए हैं. वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पानी, रोजगार और ड्रग्स को विशेष मुद्दा बनाया है. राज्य में 4 फरवरी को मतदान होना है. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को सुल्तानपुर में 2 चुनावी रैली की. इस मौके पर अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीत रहा है और राज्य में अगली सरकार उनकी ही होगी. आपके बीच में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित किया. आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं. सुल्तानपुर में आयोजित रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की होगी. मुझे नहीं पता कि हमें कौन हमारा विरोधी पार्टी का है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो समीकरण अभी है उत्तर प्रदेश में जनता ने मन बनाया है और खासकर आपने मन बना लिया है. अगर कोई जीतेगा यहाँ से तो साइकिल वाला जीत करके जाएगा, ये मन बनाया हुआ है. अखिलेश यादव ने दावा किया कि उन्होंने प्रदेश के हित में सारी लड़ाई लड़ी है. बीजेपी पर झूठे वादे करने के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने तमाम चुनावी वादे पूरे करेगी. अभी 2014 के चुनाव में एक ऐसी पार्टी को जिता दिया जिसने कहा कि अच्छे दिन आ जाएंगे. हम सुल्तानपुर के लोगों से पूछना चाहते हैं, बताओ अच्छे दिन कहाँ हैं? कोई हमें बता दे, दाई तरफ से लेकर के बाई तरफ कोई जानता हो अच्छे दिन कहाँ हैं? पार्टी और परिवार के विवादों को निपटाने के चलते अखिलेश यादव अभी तक चुनाव प्रचार अभियान शुरू नहीं कर पाए थे. मुख्यमंत्री बुधवार को लखीमपुर में चुनावी रैली करेंगे. पंचानंद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने राज्य सरकार के 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जातियों के समान सुविधाएं देने पर रोक लगा दी है. साथ इन जातियों को एससी का सर्टिफिकेट जारी नहीं करने का आदेश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी. राज्य सरकार ने 22 दिसंबर 2016 को 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों के समान सुविधाएं दिए जाने का निर्देश जारी किया था, जिसे असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी गई थी. चीफ जस्टिस ने एक आर्डर पास किया जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को इस आशय का डायरेक्शन दिया गया है कि सभी जिलों में अधिकारियों को इस आशय का निर्देश दें कि उस नोटिफिकेशन के आधार पर कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया जाएगा. अब कुछ और अहम खबरें. नोटबंदी के बाद गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज
यानी एमडीआर खत्म करने की सिफारिश की है। साथ ही सभी तरह के बड़े लेन देन में नकदी की अधिकतम सीमा तय करने का सुझाव दिया है। डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी। इसमें कर दायरे में नहीं आने वाले लोगों और छोटे दुकानदारों को स्मार्टफोन खरीद पर ₹1,000 की सब्सिडी देने का सुझाव दिया गया है। समिति ने बैंकों से ₹50,000 से ज्यादा की निकासी पर नकद लेन देन टैक्स की भी सिफारिश की है। साथ ही सभी सरकारी इकाइयों को डिजिटल भुगतान पर एमडीआर खत्म करने या उसे कम करने के अलावा बड़े सौदों में नकदी के इस्तेमाल की सीमा तय करने का सुझाव भी दिया है। APS to be promoted by incentivizing and not charging MDR. This is very crucial recommendation. No MDR at all. And also cost of communication should be zero. समिति की सिफारिशों में सूक्ष्म ATM और बायोमेट्रिक सेंसर के लिए टैक्स प्रोत्साहन शामिल है। इसके अलावा सालाना आय के एक निश्चित अनुपात का इस्तेमाल डिजिटल भुगतान में करने पर टैक्स रिफंड का भी सुझाव है। Tax incentives to be extended to micro ATMs, biometric sensors, domestic production has to be increased. For Aadhaar Pay, biometric fingerprint iris sensors to be provided, 50% subsidy to all merchant points. मुख्यमंत्रियों की समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि नकदी रहित लेन देन को अपनाने वाले लोगों के हितों के संरक्षण के लिए सभी डिजिटल लेन देन का बीमा होना चाहिए। नायडू ने माना कि साइबर सिक्योरिटी डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने की राह में एक बड़ी दिक्कत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि समिति की सिफारिशों को आने वाले बजट में जरूर जगह मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने किसानों का 2 महीने का 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज माफ करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में IIM संशोधन बिल को समेत प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले किए गए। इसमें किसानों के लिए नवंबर दिसंबर 2016 के लिए अल्पावधि कर्ज पर लगने वाले 660 करोड़ 50 लाख का ब्याज माफ करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए नाबार्ड को 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो सहकारी बैंकों के रीफाइनेंसिंग खर्च को उठाएगी। इसके अलावा सरकार ने IIM संशोधन बिल पर मुहर लगा दी है। इसमें छात्रों को डिप्लोमा की जगह डिग्री देने, संस्थान की पूरी स्वायत्तता और जवाबदेही के प्रावधान हैं। इन संस्थानों का प्रबंधन एक बोर्ड के जरिए किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन के अदला बदली को मंजूरी भी दे दी है। इसके तहत 11.35 एकड़ जमीन का इस्तेमाल पटना एयरपोर्ट के विस्तार के लिए किया जाएगा। सरकार ने प्रगति मैदान में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर के निर्माण पर भी मुहर लगा दी है। इस प्रोजेक्ट में 2,254 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि को भी मंजूरी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 3 दिन के भारत दौरे पर आए अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच करीब 16 समझौते होने की उम्मीद है। इनमें रक्षा, व्यापार, कृषि और अंतरिक्ष से जुड़े अहम करार शामिल हैं। क्राउन प्रिंस को आज राष्ट्रपति भवन में राजकीय सम्मान भी दिया जाएगा। इससे पहले कल दिल्ली पहुंचने पर शेख मोहम्मद बिन जायद का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनकी अगवानी की। शेख मोहम्मद इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हैं। UAE also has the largest sovereign wealth fund. We are looking at investments. There's an agreement that they would invest nearly $75 billion in India over the next couple of years. And during the visit, we are hoping that there will be an MOU signed between their investment fund and what we call the NIIF. खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गोंडा आदिवासियों से मिलने आज हम पहुंचे हैं उड़ीसा राज्य के मलकानगिरी जिले की गोंडा घाटी। गोंडा आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए जो काम किए जाने थे, क्या वो काम हुए? संविधान और कानून ने इनको जो हक दिए, क्या वो इन आदिवासियों को मिल पाए? Thank you.
जल्लीकट्टू मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो जनवरी 2016 में जारी अधिसूचना वापस लेने के लिए तैयार है। सरकार ने यह फैसला तमिलनाडु विधानसभा से पास हुए विधेयक को देखते हुए लिया है। केंद्र की दलील पर कोर्ट ने कहा कि जब आवेदन सुनवाई के लिए बेंच के सामने आएगा तब फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। इससे पहले कल जल्लीकट्टू का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु विधानसभा ने पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में करीब 70 कैविएट दायर की गई है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में कल हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों को हदरा इलाके में आतंकवादियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद अभियान शुरू किया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने दो AK-47 भी बरामद की है। माना जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा के विदेशी आतंकवादी हो सकते हैं। उधर सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के करीब सुंदरबनी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। इस कार्रवाई में एक आतंकवादी को मार गिराया गया, जबकि दूसरा आतंकवादी भागने में सफल रहा। मारे गए आतंकवादी के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों से उनके यहां पुलिस विभागों में सभी स्तर पर खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी है। चीफ जस्टिस जेएस खेर की अगुवाई वाली बेंच ने इसे महत्वपूर्ण विषय बताते हुए राज्यों के गृह सचिवों से 4 हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं होने पर सचिवों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो रिकॉर्ड उपलब्ध करा सके, जिससे कोर्ट इस मामले को निपटा सके। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है, जिसमें कहा गया है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल की कमी के चलते ही कानून व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है। याचिका में दलील दी गई है कि देश में पुलिस विभाग में करीब 5.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के नए प्रशासकों के नाम का ऐलान टाल दिया है। कोर्ट ने सीबीआई और सरकार को भी 27 जनवरी तक सीलबंद लिफाफे में प्रशासकों के नाम सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही हिदायत दी है कि बोर्ड में प्रशासकों के नाम का प्रस्ताव देते समय कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखा जाए। इसके अलावा कोर्ट ने बीसीसीआई को 3 लोगों के नाम का सुझाव देने के लिए कहा है, जो फरवरी के पहले हफ्ते में आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 30 जनवरी को करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सच्चा दोस्त बताते हुए हर चुनौती का मिलकर सामना करने की बात कही है। राष्ट्रपति बनने के बाद कल पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा और आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई है। इसके अलावा मध्य और दक्षिण एशिया में सुरक्षा के मसले पर भी बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने पर जोर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर भी उत्साह दिखाया है। नरेंद्र मोदी दुनिया के उन 5 नेताओं में शामिल हैं जिनसे डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद फोन पर बात की। इससे पहले वो कनाडा, मेक्सिको और मिस्र के राष्ट्रपति और इसराइल के प्रधानमंत्री से बात कर चुके हैं। वहीं अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हर हाल में अपनों के हितों की रक्षा करेगा। वहीं चीन ने इस बयान पर कड़ा एतराज जताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि वो दक्षिण चीन सागर में अपने और अंतर्राष्ट्रीय हितों की भी रक्षा करेंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने साफ किया कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा हर हाल में करेगा। I think areas in the South China Sea that are part of international waters and international activities, I think the U.S. is going to make sure that we protect our interests there. So it's a question of if those islands are in fact in international waters and not part of China proper, then yeah, we're going to make sure that we defend international territories from being taken over by one country. इधर चीन ने अमेरिका के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। चीन ने दक्षिण चीन सागर को लेकर अपनी नीति को जायज ठहराया है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीरिया में आईएस के खिलाफ रूस के साथ सैन्य अभियान चलाने की भी बात कही है। एक और बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका ने व्यापार समझौते ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से खुद को अलग करने का फैसला किया है। सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे जुड़े प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए।
12 देशों के दस्तखत वाले समझौते को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में अमल में लाया गया था, जिसे ओबामा की एशिया नीति की धुरी माना गया। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि इससे अमेरिकी कामगारों को फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रिटेन सरकार की यूरोपीय संघ से अलग होने की कवायद को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ब्रेग्जिट मामले में सरकार को संसद की मंजूरी लेनी पड़ेगी। कोर्ट ने सरकार के अनुच्छेद 50 के तहत कार्यकारी आदेश की दलील को खारिज कर दिया। ब्रिटेन सरकार को ब्रेग्जिट मामले में आगे बढ़ने की प्रक्रिया खटाई में पड़ती दिख रही है। ब्रिटेन सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री थेरेसा मे को ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर लाने के लिए ब्रेग्जिट पर संसद की सहमति लेनी जरूरी है। By a majority of 8-3, the Supreme Court rules that the government cannot trigger Article 50 without an act of Parliament authorizing it to do so. When the UK withdraws from the EU treaties, a source of UK law will be cut off. कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यकारी आदेश के जरिए अनुच्छेद 50 को प्रभावी बना सकती है और यूरोपीय संघ से अलग होने की बातचीत शुरू कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने फैसले पर निराशा जताई है। Of course the government is disappointed with the outcome. But we have the good fortune to live in a country where everyone, every individual, every organization, even government is subject to the rule of law. हालांकि ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले में स्कॉटलैंड की संसद और वेल्स व उत्तरी आयरलैंड की विधानसभाओं की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। इस मामले में दायर याचिका में दलील दी गई थी कि ब्रेग्जिट पर संसद की सहमति नहीं ली जाती तो ये अलोकतांत्रिक फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। क्वार्टर फाइनल में भारत के दो खिलाड़ी अपने अपने जोड़ीदारों के साथ आमने सामने होंगे। रोहन बोपन्ना और ग्रैबियेला डेब्रोस्की की जोड़ी आसानिया मिर्जा और इवान डोडिश की जोड़ी से भिड़ेगी। बोपन्ना ग्रैबियेला की जोड़ी ने जहां पांचवी वरीयता प्राप्त युंग जानशान और लुकास को बोध को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है, वहीं सानिया डोडिश सेसिंग रिंग और अलेक्जेंडर पेया को शिकस्त देकर अंतिम आठ में पहुंचे हैं। वहीं स्टार खिलाड़ी स्विट्जरलैंड रोजर फेडरर पुरुष शेकल के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जर्मनी के मिशा ज्वेरेव को 6-1, 7-5, 6-2 से हराया। फेडरर ने शुरू से ही मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी और आसानी से जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में आज उनका मुकाबला हमवतन स्टेनलियास वावरिंका से होगा। और आखिर में हेडलाइंस। धर्म, जाति, भाषा और नस्ल के आधार पर ना मांगे जाएं वोट, चुनाव आयोग का राजनीतिक दलों को निर्देश। चुनावी पोस्टर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तस्वीर लगाने की मना है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किया 67 और उम्मीदवारों का ऐलान। उत्तराखंड के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी। कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका समेत 40 नेता करेंगे प्रचार। नोटबंदी पर मुख्यमंत्रियों की समिति ने प्रधानमंत्री को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट। बैंकों से 50,000 से ज्यादा के लेनदेन पर टैक्स की सिफारिश। मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज MDR खत्म करने का भी सुझाव। भारत और यूएई के बीच होंगे 16 से ज्यादा समझौते। यूएई के क्राउन प्रिंस का राष्ट्रपति भवन में राजकीय सम्मान आज। गणतंत्र दिवस पर होंगे मुख्य अतिथि। और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे भारत और अमेरिका। ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत। भारत को बताया सच्चा दोस्त, अमेरिका आने का न्योता। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।